नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। आज का वीडियो जो है वो श्रग पर है। ये एक लॉन्ग श्रग है जो कि नेट के फैब्रिक से बनाया है मैंने और जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा वीडियो लॉन्ग श्रग पर है और लॉन्ग श्रग बनाने के लिए ये मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया हुआ है जो कि नेट फैब्रिक पर है और ये साइज़ जो है वो 42 साइज़ का है और इससे लॉन्ग श्रग बना रही हूँ। और कॉलर वाला बनाना है तो शोल्डर मैंने 8 इंच लिया है, शोल्डर 16.5 और नीचे की तरफ आर्म होल जो है वो 7.5 इंच लिया हुआ है और इधर से भी 8 इंच रहेगा। शोल्डर 16 था उसका हाफ ले लिया है और इसमें कॉलर लगा रहेगा और ये आर्म होल है 7.5 और स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। और अब इधर जो है ये बस्ट का 1/4 रहेगा तो बस्ट जो है वो 42 है तो उसका 1/4 लेंगे 10.5 इंच। तो यहाँ पर 10.5 पे 10.5 पर निशान लगाया और उसमें 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ले सकते हैं। आप नेचुरल वेस्ट पर 9 इंच पर और ये वेस्ट पर 15 इंच पर निशान लगाया और अब वेस्ट पर जो है 9.5 लेंगे और उसमें 2 इंच ऐड करेंगे और स्ट्रेट लाइन खींच लिए। और अब यहाँ पर वेस्ट का 1/4 लेंगे तो जो भी आपका वेस्ट का मेज़रमेंट हो उसका 1/4 लेकर उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे। और अब यहाँ पर भी एक लाइन खींच दिया है तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है मैंने फुल लेंथ जो भी आपकी लेंथ होगी मैंने 54 इंच लेंथ ली है और उसमें 2 इंच ऐड कर लिया है मार्जिन का तो 56 इंच पर निशान लगा के और इसकी कटिंग कर ली है। तो पहले बैक पार्ट की कटिंग की थी और फ्रंट की अब अलग से करेंगे कटिंग क्योंकि फ्रंट में जो है ये ओपन रहेगा। तो जिधर से ये ओपन साइड है वहाँ से मैंने 1 से 1.5 इंच के करीब मार्जिन लेकर ये मैंने मार्जिन 1 से 1.5 इंच करीब मार्जिन लिया है और फिर बैक पार्ट को रखते हुए और ये कटिंग कर ली है। तो फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी और अब स्लीव की कटिंग करनी है। तो पहले कपड़े को डबल फोल्ड किया और अब 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ से बस्ट का 1/4 लेंगे तो ये 10.5 पर निशान लगाएंगे, 11 इंच है तो थोड़ा सा इधर की तरफ ले लेंगे और फिर इधर से 3.5 लिया है और उसके बाद शेप लगा लेंगे। और जो बाजू की लेंथ है वो 20 इंच रहेगी, फुल लेंथ है और 20 में 5 इंच ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें प्लेट जो है वो पड़ेंगे चूड़ी रहे तो 25 इंच आएगा और उसके बाद 2 इंच ऐड कर लेंगे तो टोटल जो है वो 27 इंच पर निशान लगाएंगे। और उसकी जो गुलाई है वो 7 इंच पर, यहाँ पे 7 इंच पर निशान लगाकर और उसके बाद ऐसे मिलाकर अब कटिंग कर लेंगे इसकी भी। तो स्लिप की भी कटिंग हो गई है तो इस तरह से स्लिप की भी कटिंग कर ली और आगे का शेप जो है गहराई वाला वो फिर दे देंगे। और अब सबसे पहले अब सिलाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो है वो स्लीव की सिलाई कर रहे हैं, जो उसकी गोलाई है उसे फोल्ड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से फोल्ड किया जाता है उस तरह से ये स्लीव में ये फोल्ड कर ले रहे हैं और यहाँ जगह जगह पे जो बीड्स लगे हैं उससे थोड़ा सा बचा के ही सिलेंगे क्योंकि इसे सुई भी अचानक से अगर पड़ेगी तो टूट सकती है सुई। और अब ये फ्रंट पार्ट लिया है तो फ्रंट में जो ओपन था तो दोनों जो ओपन साइड है उसे अब ऐसे फोल्ड करते हुए एक एक सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड में सेम ऐसे ही सीधी एक सिलाई लगा लेनी है जहाँ से ओपन है फ्रंट का। दोनों साइड में मैंने सिलाई लगा ली है और अब यहाँ पे आर्म होल में कटिंग नहीं की थी, गहराई का वो कर लिया है और इसमें अब कॉलर लगाना है। तो इधर से मैं 3 इंच ले रही हूँ और नीचे की तरफ जो गहराई है वो भी 3 इंच लिया है और जो चौड़ाई है वो भी 3 इंच लेके गोलाई में शेप लगाकर अब इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। और अब ये बैक पार्ट है तो यहाँ पर भी हल्का सा 1/2 इंच के करीब कट कर लिया है बैक में
और अब गोलाई गले की जो है कटिंग हो गई है, और अब शोल्डर ज्वाइंट कर रहे हैं। तो दोनों साइड में सेम ये शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिया है मैंने, ये हो चुका है शोल्डर। और अब जो इस पे कॉलर लगाना है तो इसकी गोलाई माप ले रहे हैं कि गोलाई जो है वो कितनी आएगी, तो उसी हिसाब से कॉलर इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से ये इसकी गोलाई देख ले रहे हैं, तो ये 17.5 है। मैं हाफ इंच के करीब जो है वो थोड़ा सा अधिक ले रही हूँ, तो 18 इंच पर ये कट करके इसे ऐसे हाफ में फोल्ड कर लिया है, ये 9 इंच आ रहा है। अब थोड़ा सा शेप लगा देंगे, इसे राउंड में कर लेंगे। तो यहाँ पर हल्का सा शेप लगा दिया है कॉलर में, और कॉलर बनाने के लिए सिर्फ नेट का फैब्रिक लगाएंगे तो वो झलकेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें अस्तर का कपड़ा लगाया मैंने दोनों साइड में, और उसके ऊपर नेट का फैब्रिक लगाया है, और उसे अटैच करने के बाद कॉलर को इस कपड़े पे ऐसे अटैच कर लिया। और अब सीधा सीधा ऐसे एक साइड रख कर, और इसके यहाँ पर गोलाई में जो शेप लगाया वहाँ पर सिलाई नहीं लगा रही हूँ, उसके ऊपर से ये सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल जो बुकरम है, जो पेपर पेस्टिंग है, उसके नीचे से सटे ही सिलाई लगा रही हूँ, जो शेप है वहाँ से नहीं। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे ट्रिम कर लिया है, और अब इसे सीधा करके चेक कर ले रहे हैं। अब इसके बिल्कुल सेंटर में जो कॉलर है, बिल्कुल सेंटर में इसके कट मार्क कर लिया है, और जो बैक पार्ट है उससे उसके भी सेंटर में ये कट कर लिया, और दोनों सेंटर को बिल्कुल मिलाते हुए, और फिर ये सेंटर से ही सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से दोनों सेंटर को मिलाते हुए ये गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हाफ हाफ करके सिलाई लगाऊंगी मैं, जिससे कि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक साइड में पहले अभी सिलाई लगा लेती हूँ। इसके पहले भी मैंने कॉलर के वीडियो शेयर किए आपसे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको वीडियो वहाँ देखना हो तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये एक साइड में यहाँ पर ये इसे लगा ले रही हूँ, एक सिलाई लगा ली है, और अब दूसरे साइड में भी सेम ऐसे ही सिलाई लगा लिया है, और दोनों साइड में सिलाई लगा ली। और अब ये जो शेप था वहाँ पे नहीं लगाया था, तो अब ये सिलने के बाद जो है, अब ये जो शेप बनाया है इस पर अब सिलाई लगाने जा रही हूँ इधर। तो अब यहाँ पर दोनों साइड में ऐसे इसके सटे ही सिलाई लगा ले रही हूँ, और अगर अधिक रहेगा तो उसको दबाते हुए सिल लूँगी, और उसके बाद से फिर ट्रिम कर लूँगी। तो ये हल्का सा अधिक है तो इसे बाद में मैं ट्रिम कर लूँगी। तो यहाँ पर ये एक साइड में लगाया, और दूसरे में भी सेम ऐसे ही सिल लेना है, और जो एक्स्ट्रा में फैब्रिक होगा उसे ट्रिम कर लेंगे ये। और अब दूसरे साइड में भी सिलाई लगा ले रही हूँ, तो ये भी हो गया। अब इसे सीधा कर ले रही हूँ, पलट लेती हूँ। तो अब ये सीधा कर लिया है मैंने, और अब ये इसके ऊपर की तरफ अब यहाँ से सिलाई लगानी है। तो इसके कॉर्नर से सिलाई न लगाकर बीच से लगाऊंगी, क्योंकि कॉर्नर पे जो है फिर फिनिशिंग नहीं अच्छी आएगी। तो यहाँ से बीच से सिलाई लगाना शुरू किया है, और फिर इसके गोलाई में ऐसे गोल में फिर सिलाई लगा लूँगी, और कॉर्नर पे इसके इस तरह से मतलब ज़्यादा फिर स्टिच हो जाता है, तो इसलिए बीच से सिलाई लगाया। कॉलर भी मेरा रेडी हो चुका है। अब इसमें स्लीव अटैच करना है, तो स्लीव अटैच करने का वीडियो शेयर नहीं किया है, क्योंकि इसके पहले मैंने कई सारे किया हुआ है वीडियो। तो अब ये इसकी फिटिंग की निशान जो है वो लगानी है। तो फिटिंग का निशान लगाने के बाद अब इसे स्टिच कर ले रही हूँ। तो ये एक साइड से पहले सिल रही हूँ, और जितने भी बीड्स आएंगे उसे संभाल कर सिलना है, क्योंकि ये सुई पर आएंगे तो सुई जो है वो टूट सकती है। और दोनों साइड में फिटिंग का निशान लगा ली हूँ मैं, और बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, और फिर नीचे के घेर में भी एक एक सिलाई लगानी है, नीचे का घेर। और अब मेरा ये स्ट्रक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है पहनने के लिए। तो आप इसमें डोरी भी लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, शो बटन, लूप और बटन से भी पहन सकते आप इस श्रक को स्कर्ट पर और टॉप पे पहन सकती हैं। तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।